शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर राजपुर बांगर स्थित प्राचीन मां चामुंडा मंदिर पर संध्या आरती और छप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आए देवी भक्तों ने 108 दीपकों से आरती और छप्पन भोग के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। जैसे जैसे नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रही है, वैसे ही भक्तों में भक्ति के भाव और धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य माँ भगवती की आराधना जोरों पर की जा रही है। इसी श्रृंखला में अष्टमी के दिन राजपुर स्थित प्राचीन माँ चामुंडा मंदिर पर 108 दीपकों से आरती की गई, वहीं माता के समक्ष 56 भोग सजाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु भक्तों ने 56 भोग के दर्शन कर पूर्ण लाभ कमाया। अष्टमी के अवसर पर 108 दीपकों से की गई महाआरती और 56 भोग के बारे में मंदिर के सेवायत बिहारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन यह विशेष आयोजन किया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी लाल शर्मा है और मंदिर सेवा अधिकारी। आज चामुंडा की माता की इतनी अगस्त आरती होती है, कितनी दीपकों की आरती होती है, क्या है? आज जो है माता की महाआरती होती है, इसमें 108 दीपकों के साथ में माता जी की महाआरती होती है। प्रत्येक नवरात्रों की अष्टमी को यह कार्यक्रम रखा जाता है। माता जी का विशेष दिन है, इस दिन पूजा अर्चना महाआरती 56 भोग भंडारा का कार्यक्रम रखा जाता है। वैसे तो प्रतिदिन ही माँ का पूरे नवरात्रि भंडारे का कार्यक्रम होता है, कन्या लंगर भोज होता है, और लेकिन आज के दिन विशेष अर्चना पूजा और रात्रि जगराते का कार्यक्रम रखा गया है। हर बार प्रति नवरात्रि यह कार्यक्रम, जैसे कि बताया जाता है, इसका महत्व क्या होता है 108 दीपक की आरती का? जी, 108 दीपकों के साथ में जो आरती की जाती है माता की, वो विशेष आरती है, उसकी जो है विशेष पूजा अर्चना है। इसके साथ में महाआरती है, इस महाआरती के साथ भक्त अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष के 51 महापीठों में से माता जी का एक शक्तिपीठ है, इसलिए इस दिन माता जी की विशेष पूजा अर्चना इत्यादि प्रत्येक नवरात्रि की जाती है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।